नवगुरुकुल का फोकस सिर्फ बच्चे की जॉब पर नहीं है, जॉब के साथ साथ नवगुरुकुल बच्चे की इमोशनल वेलबींग पर और बहुत सारी चीज़ों पर काम करता है, जिससे बच्चा एक अच्छी जिंदगी से जी पाए, वो देख पाए उसकी उसको क्या क्या चीज़ें अपने अंदर सुधार करनी चाहिए, जिससे कि वो एक अच्छा इंसान बन पाए, अच्छा नागरिक बन पाए, अपनी कम्युनिटी का, अपनी फैमिली का, सबका ध्यान रख पाए। नवगुरुकुल एक फैमिली जैसा है कि मतलब हम यहाँ पे एक फैमिली जैसे ही रहते हैं, सब एक दूसरे से ऐसे एज ए फैमिली प्यार करते हैं, सब भाईचारा होता है, एज ए दोस्त में हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं पूरे दिन या साथ में, क्योंकि एक साल हमें साथ में रहना होता है, तो यहाँ पे एक फैमिली जैसा ही कल्चर है। और रैगिंग की बात की जाए तो सब जो कोई नया बच्चा आता है तो उसे ऐसा प्यार मिलता है कि उसे जैसे फैमिली, एक नई फैमिली मिली हो। और सीनियर जूनियर का भी कोई फंडा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सीनियर क्या होता है, एक क्लास आगे होता है, और यहाँ पे तो क्लासेस है ही नहीं, तो मतलब सीनियर जूनियर का कोई फंडा ही नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे कोई कुछ होता नहीं है कि मतलब जो जूनियर है वो सीनियर को सर बोले, यहाँ हम सब एक फैमिली की तरह रहते हैं, तो एज अ फैमिली मेम्बर हम एक दूसरे को भैया या फिर उसके नाम से बुलाकर उसे रिस्पेक्ट देते हैं और एक कम्युनिटी के, एक फैमिली की तरह यहाँ पर रहते हैं। यहाँ की कम्युनिटी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत सारी जगह से लोग आते हैं और मतलब पता नहीं चलता कि हर इंसान अलग जगह से आया है, सब ऐसे मिलकर रहते हैं कि कुछ अलग सा नहीं लगता। तो नवगुरुकुल एक बेसिकली एक ऐसा प्लेस है जहाँ की बच्चे जो मतलब घर में वो खुल के नहीं शेयर कर पाते। अभी जैसे कि हमारे यहाँ घर पे ऐसा सिचुएशन है, मतलब घर में क्या होता है ना कि बच्चे खुल के नहीं बात कर पाते हैं, चाहे वो पेरेंट्स से हो चाहे वो फ्रेंड्स से हो, उतनी चीज़ें खुल के नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ हमें ऐसा स्पेस हम देते हैं या हमें ऐसा स्पेस मिलता है कि बच्चे किसी भी चीज़ के बारे में खुल के वो शेयर कर सके, हर किसी से बातें कर सके। अगर हमारे यहाँ कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको कि मतलब अपनी बातें सुनाना अच्छा लगता है, उसे उसे किसी के एडवाइस की एडवाइस अच्छी नहीं लगती, तो उसके लिए हमारे यहाँ एक शेयरिंग सर्कल है जहाँ पे कि हम हमारे अंदर जो भी है हम उस चीज़ को वहाँ मतलब शेयर करते हैं ताकि हमारा मन हल्का हो पाए। और इसमें कोई मतलब कुछ नहीं बोलते कि तुम्हें ये करनी चाहिए या वो करनी चाहिए, मतलब जिनको जैसा अच्छा लगता है उस तरह के माहौल यहाँ मिलता है। हालांकि नवगुरुकुल का फोकस उन बच्चों पर है जो अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद नहीं उठा पाते, पर फिर भी हमारे पास काफ़ी तरीके के बच्चे आते हैं जो जिनका अलग रिलीजन, अलग कास्ट या फिर अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी होता है। तो हमने एक ऐसा कल्चर बनाने की कोशिश किया जहाँ पे कि हर बच्चा एक दूसरे का ध्यान रख पाए, जिससे कोई बच्चा अकेला महसूस ना करे। तो अगर कोई बच्चा जो थोड़ी कम पैसे खर्च कर सकता है तो हम ये इंकरेज करते हैं कम्युनिटी को कि वो सब बच्चे मिलकर उसका ध्यान रख पाए, क्योंकि हर बच्चे की सेम स्पेंडिंग कैपेसिटी नहीं है। तो हम बच्चों के सारे खर्चे उठा लेते हैं, पर उसके बाद भी थोड़े बहुत जो बच्चों के पर्सनल खर्चे हैं कि मुझे कौन सा शैम्पू यूज़ करना है, कौन सा साबुन यूज़ करना है, या कभी कुछ खाने पीने मन एक्स्ट्रा, तो उसके लिए बच्चे फिर भी थोड़े बहुत खर्चे खुद करते हैं। तो ऐसी छोटी 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 बातों का भी हम लोग ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि यहाँ पे बच्चे का एक साल उसको ऐसा लगे ही नहीं कि मैं एक घर से दूर आया हूँ। नवगुरुकुल में आने के बाद एक साल हमें इतनी सारी चीज़ें फैसिलिटी मिलती है, इतना प्यार मिलता है, इतने हमसे सीनियर्स का सपोर्ट मिलता है, तो इन रिटर्न जब हमें हम यहाँ पे काम करना होता है, कोई भी काम हो, चाहे वो सफाई का काम हो, चाहे वो खाना बनाने का काम हो, चाहे वो चीज़ों को मेंटेन करने का काम हो, तो हम अगर जॉब लेकर यहाँ पे अच्छे से पढ़ के जॉब लेके निकल भी जाएँ तो हम वो स्किल्स नहीं सीख पाएंगे जो हमारे जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि सफाई रहना चाहिए या फिर खुद का खाना बनाना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ सीखने को मिलती है। कम्युनिटी के लिए काम करते हैं क्योंकि जिस कम्युनिटी, जिस इन्वायरमेंट में, जिस जगह पर हम रह रहे हैं वहाँ से मुझे इतना सब चीज़ मिल रहा है, तो हमें भी कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। यहाँ पे मतलब हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं नवगुरुकुल में तो हम आपस में खुद ही सॉल्व करते हैं। अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई बाहर से नहीं आता है। हमारे कैंपस में एक स्टूडेंट काउंसिल होती है जिसका काम मतलब जिसका पर्पस ये है कि हमारे कैंपस को चलाना और बेसिकली हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो स्टूडेंट काउंसिल हम में से ही बनती है, तो हमें पता होती है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है हमें और फिर हम उन पर काम करते हैं। अब कोई बाहर से आके मतलब कोई हमारे कैंपस को चलाएगा तो उसमें ये दिक्कत होगी कि उन्हें पता नहीं होगा कि हमारे मतलब कैंपस में दिक्कतें क्या हैं, मतलब वो उन्होंने फील नहीं करा होगा।
तो इसके लिए हमारे कैंपस में स्टूडेंट काउंसिल होती है। हाँ, किचन में क्या चीजें कैसे होनी चाहिए, लैपटॉप्स कैसे होने चाहिए, ऐसे हर चीज के लिए काउंसिल है। तो जब वो इतने सारे बच्चों को मैनेज करती है तो उसके अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटी इम्प्रूव होती रहती है। उसको लोगों को लीड करना आता है कि जब अगर मेरे पास इतने लोग हैं तो मैं उनको कैसे मैनेज करूं, कैसे अच्छा लीडर बनूं। तो मैं दो काउंसिल पोस्ट होल्ड कर चुका हूं। एक बार मैं डिसिप्लिनरी कमेटी का हिस्सा था और एक बार मैं आईटी कोऑर्डिनेटर था। तो आईटी कोऑर्डिनेटर जब मैं बना था तो मैंने काफी सारी चीजें सीखी, जैसे राउटर कैसे मैनेज करते हैं और इंटरनेट, मतलब इंटरनेट कैसे आता है, हमारे कैंपस में कैसे पहुंचता है, तो ये मुझे पता चला। और जब मैं डिस्को था तो मतलब काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे स्टूडेंट्स के बीच में, काउंसिल के बीच में, और कभी कभी डिस्को और मतलब डिसिप्लिनरी कमेटी और स्टूडेंट्स के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। तो उनको सॉल्व करना है, मतलब कैसे पेशेंस से सॉल्व करना है, तो एक तो मैं पेशेंस सीखा हूँ डिसिप्लिनरी कमेटी का हिस्सा बनकर, और लीडरशिप स्किल्स सीखा हूँ कि मतलब 50 बच्चों को कैसे लीड करना है, कैसे मतलब अपनी बात आगे रखनी है। और जो बच्चे मैनेज मतलब एज ए काउंसिल होते हैं, उन्हें टीम का भी सपोर्ट मिलता है, अलग से मेंटरशिप मिलती है कि वो काम, वो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए या जो प्रॉब्लम आ रही है उनके बारे में कैसे सोचा जाए, कैसे बड़े प्यार से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। तो उन्हें टीम का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, तो उन्हें बहुत सारा एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, खुद को जानने का मौका मिलता है एज ए काउंसिल पोस्ट पर। किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम कुछ सीखना चाह रहे हैं तो हम उस चीज़ के बारे में अगर हमें नहीं पता है फिर भी हम खुल के उसे मतलब गलती कर सकते हैं कि गलती करके, क्योंकि हमारे यहाँ का एक धारणा है कि मतलब गलती करके ही हम सीखते हैं। जब तक हम मिस्टेक नहीं करेंगे, हम गलती नहीं करेंगे तो शायद हम अच्छे से सीख भी नहीं पाएंगे। हमारा मतलब नवगुरुकुल का बॉयज कैंपस बेसिकली धर्मशाला में है, मतलब धर्मशाला में एक जगह है सुक्कड़, तो वहाँ पे हमारा कैंपस है। तो बेसिकली यहाँ पे मतलब हम हमारे आसपास मतलब हम नेचर के गोद में है समझो, जैसे काफी सारे पेड़ है हमारे आसपास। अभी आप मुझे देख रहे होंगे, मैं भी पेड़ों के आसपास ही बैठा हूँ। बात करें अगर रेसिडेंशियल फैसिलिटी की, तो यहाँ पर आने के बाद हमें मतलब पता चला कि यहाँ पर मतलब हम खुद मतलब गद्दे भी प्रोवाइड करते हैं, और गद्दे प्रोवाइड करते हैं, बंक्स बेड होते हैं, जबकि हमें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरी चीज़ होती है कि यहाँ पर हम जो कि फूड होता है, जो कि खाने पीने का जो सामान होता है, उस भी कुछ मतलब उसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता। तो एक बात होती है कि जस्ट उसे हम खाना, जो ओवरऑल खाना होता है वो हम खुद बनाते हैं, और जो पढ़ाई के लिए हमें एक लैपटॉप प्रोवाइड किया जाता है और 24 आवर उसके लिए इंटरनेट दिया जाता है ताकि हमारी पढ़ाई अच्छी से हो सके। तो मतलब नवगुरुकुल में बेसिकली मतलब नॉनवेज नहीं चलता। अगर किसी बच्चे को अगर नॉनवेज खाना होता है तो उन्हें ऐसा नहीं है कि बैंड है, वो बाहर जाके खा सकते हैं, वो खुद खरीद के खा सकते हैं अगर उसे खाना होता है। यहाँ सिर्फ वेज, यहाँ नॉनवेज नहीं बनता, यहाँ बस वेज ही बनता है। सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे खाना हमें खुद से बनाना है तो हम पढ़ाई कब करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, 50 से 60 बच्चे होते हैं, तो वो आराम से छोटी छोटी टीमों में बांट दिया जाता है, और मे बी वीक में या 10 दिन में एक बार किचन टर्न आती है, तो उन्हें खाना बनाना बहुत आसान होता है। और वो एक दिन होता है जिसमें भी बहुत कम समय लगता है खाना बनाने में, क्योंकि एक टीम में 5 से 6 लोग होते हैं तो सबका काम बटा हुआ होता है, तो वो आसानी से खाना बना सकते हैं और उस बीच भी पढ़ाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर खाना जब खुद से खाना बनाते हैं तो उस टाइम काफ़ी बच्चे काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं कि कैसे क्या चीज़ें होगी, और फिर मतलब जब ये प्रॉब्लम्स आती है तो उसको हम खुद ही इसका खुद सॉल्यूशन निकालते हैं। हम लोग काम टीम्स में करते हैं, हम लोग एक टीम बना देते हैं, उसमें काम डिवाइड हो जाते हैं कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, तो इतना ज़्यादा बर्डन नहीं आता कि मुझे इतना सारा काम करना पड़ेगा। सब मिलकर करते हैं तो वो काम पता नहीं चलता। हम अपना खाना खुद इसलिए बनाते हैं ताकि हम सिस्टम में कंट्रीब्यूट कर सकें। नवगुरुकुल ऑलरेडी हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, और अगर हम मतलब खाना बनाते हैं तो हमें अपनी फीलिंग आती है कि नवगुरुकुल हमारा ही है।
जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन था कि मतलब खाना क्यों बना रहे हैं हम, किसी को रख क्यों नहीं सकते। पर अब मुझे ऐसा नहीं लगता है, अब ऐसा लगता है कि अगर मैं खाना बना रहा हूँ तो एक तो मेरे स्किल सेट में ऐड होगी स्किल की, मैं खाना बना पा रहा हूँ और अच्छा भी लगता है अब दिल से, मतलब कि खाना बना रहा हूँ सबको खिला रहा हूँ तो अंदर से जो फीलिंग आती है तो वो मतलब वो फीलिंग काफी अच्छी होती है। सबके मन में ये क्वेश्चन हो तो जरूर आया होगा कि यार इतनी दूर हमें वहाँ रहना क्यों है। लेकिन अगर मैं खुद की बात बताऊँ तो एक्चुअली मैं भी एक महाराष्ट्र से आया हूँ, कि अगर हम जाओ जब हम 50 स्टूडेंट को जो पढ़ाई करते हैं या फिर जो भी काम करते वक्त देखते हैं, जो डेडिकेशन जो हमें मोटिवेशन मिलता है इन सारे स्टूडेंट को देख के, वो शायद ही मैं अपने घर पे रह के कर सकता था। और दूसरी बात अगर बताया जाए तो मेरे स्टडी के बारे में, शायद मैं अगर मेरे को लैपटॉप या फिर इंटरनेट भी प्रोवाइड किया जा सकता था घर पे रह के, या तू घर पे जाकर ही पढ़ ले, तो शायद ही मैं मतलब जितना यहाँ पर मैं अपना 100% मेरे स्टडी को लेके देता हूँ वो शायद ही मैं मेरे घर पे रह के दे सकता था। घर पर हमारे अंदर आलस आ जाता है, हमारा कब जब पढ़ने का मन करता है हम तब पढ़ते हैं। और यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि आपको फोर्सफुली इस टाइम पर पढ़ना ही है, बट जब आप देखते हो कि लोग पढ़ रहे हैं आपके साथ में तो उनको देखकर बहुत मोटिवेशन आती है कि अगर वो पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूंगी। यहाँ पे हम 24/7 रहते हैं, मतलब सातों दिन 24 घंटे एक साथ रहते हैं, तो हमें जब भी प्रॉब्लम्स आती है एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पढ़ाई में जब भी किसी की हेल्प लेना होता तो हेल्प ले लेते हैं। और यहाँ पे प्रोग्रामिंग के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो सिखाई जाती है, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके या इंग्लिश इम्प्रूवमेंट या जो लाइफ स्किल्स होती है छोटी छोटी जो जीवन जीने के लिए एज ए सोसाइटी में रहने के लिए ज़रूरी है, तो हमें यहाँ रहना इसलिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को अच्छे से जान सकें और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो एक दूसरे से शेयर करके सॉल्व कर सके। क्योंकि नवगुरुकुल का मोटिव ये नहीं है कि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना है, नवगुरुकुल का मोटिव ये है कि हमें एक अच्छा इंसान और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना। नवगुरुकुल एक नॉन प्रॉफिट संस्था है, इसका मतलब ना हम पैसा कमा सकते हैं ना हम पैसा कमाना चाहते हैं। ये संस्था हमने इसलिए शुरू की थी जिससे कि हम बहुत सारे बच्चों का के साथ अच्छे से काम कर पाए। तो इसको स्टार्ट करने के पीछे बहुत सारे लोग हैं, मैं और ऋषभ हम दोनों ने अपना आईटी सेक्टर का बहुत अच्छा करियर छोड़ के हमने इसको स्टार्ट किया। उसके अलावा एक्सेंचर जैसी कंपनीज जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं इंडिया में, वो हमें सपोर्ट करी है फाइनेंशियली जिससे हमें बच्चों का ध्यान रख पाए। एट द सेम टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनकी अब जॉब लग गई है और वो कहीं और काम कर रहे हैं, वो भी अब इन बच्चों के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने की कोशिश करते हैं। नवगुरुकुल का सारा फोकस ये है कि कैसे हम अच्छे से बच्चे को पढ़ा पाए जिससे कि बच्चे को अच्छी जॉब मिल पाए। इसके लिए बच्चे का सारा खर्चा, उसका रहना खाना पीना लैपटॉप सब हम वो खर्चा करते हैं जिससे बच्चे का सारा फोकस उस पढ़ाई पे रहे। पर जैसे ही बच्चा एक आत्मनिर्भर एक इंडिपेंडेंट बच्चा हो जाता है जिसके पास जॉब होती है, उस पैसे को आगे एक और बच्चे के लिए पे फॉरवर्ड करे, यानी एक और बच्चे का ध्यान रखे। पर हमें ये बच्चे पे ट्रस्ट है कि जब बच्चा एक बार यहाँ से जॉब हासिल करेगा तो उसको खुद ये काफ़ी अंदर से लगेगा कि हाँ मुझे भी आगे और बच्चों का ध्यान रखना है। और इसी तरीके से नवगुरुकुल चलता है, कैसे हमारा खर्चा हमारा पूरा ध्यान कोई और रख रहा है, ऐसे ही हमें आगे वाले आने बच्चों का ध्यान रखना है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो उनको मेंटर करने के लिए हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तो नवगुरुकुल में जैसे हमने बात करी हम फैमिली की तरह रहते हैं, हम सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हैं। कोई भी किसी को प्रॉब्लम आ रही है हम हर बार कोशिश करते हैं कि कैसे हम उस लड़के या लड़की के लिए अवेलेबल रह सकें कि कोई भी प्रॉब्लम हम उनकी सॉल्व कर सकें। लेकिन बहुत बार ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं जहां हमें अपने ट्रीटमेंट के लिए पैसे देने की ज़रूरत होती है, तो वहां हम ये चाहते हैं कि क्योंकि हम हर बच्चे के ट्रीटमेंट के पैसे खुद नहीं उठा सकते, तो कोई भी ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम्स आती हैं तो वहां हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चा अपना ट्रीटमेंट खुद करवाए, लेकिन उसके अलावा हर चीज़ में बहुत ही अच्छे से एक परिवार की तरह ख्याल रख के यहाँ बच्चों को रखा जाता है। तो बहुत बार हमारे पास ऐसे बच्चे भी बहुत सारे पढ़ते हैं जो ऑलरेडी किसी ओपन यूनिवर्सिटी से, जैसे इग्नू हो गया या और ऐसी ओपन से डिग्री कर रहे हैं, या ऐसे कॉलेजेस से डिग्री कर रहे हैं जहाँ उनको कॉलेजेस में हर बार क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो एग्ज़ाम देने जाएँ और वो बहुत है बेसिकली। तो ऐसे बच्चे जो
यहाँ आना चाहते हैं और नवगुरुकुल का कोर्स एक साल में करना चाहते हैं लेकिन साथ साथ एग्जाम भी देना चाहते हैं, वो ये कर सकते हैं कि वो पूरा साल नवगुरुकुल में रहेंगे लेकिन एक दो महीना जब भी उनकी ज़रूरत है एग्ज़ाम देने की वो अपने घर जाके वापस अपने कॉलेज में एग्ज़ाम दे के आ सकते हैं कि साथ साथ उनकी डिग्री भी हो जाए और साथ साथ नवगुरुकुल भी हुए, नवगुरुकुल में भी वो चीज़ें सीखें। ऑब्वियसली जो एक नॉर्मल कॉलेज आपको चार साल में सिखाता है, जो चीज़ें चार साल में सिखाता है जिसके बाद एक आपकी अच्छी नौकरी लगती है, हम नवगुरुकुल में वही चीज़ें आपको एक साल में सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये मुश्किल तो होगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जाहिर सी बात है कि हम बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ तो नहीं ले सकते, हम ये तो नहीं सोच सकते कि हमें हर त्यौहार में, हर शादी में, हर जन्मदिन पे, हर दिवस पे घर जाना है। लेकिन ऑब्वियसली बहुत बार हमारे घरों में कुछ समस्याएँ आएंगी, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। मान लीजिए आपका किसी घर में, किसी के घर में हेल्थ प्रॉब्लम है या कोई और समस्या है जिसकी वजह से आपको घर जाने बहुत ज़रूरी है या बहुत ही अनिवार्य है, तो उस केसेस में हम घर जाने देते हैं। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि घर जाना एकदम मना है, लेकिन थोड़ा सा छुट्टी कम लें तो बेहतर है क्योंकि वो पढ़ाई के लिए आपका बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर अगर कोई बच्चा यहाँ आ जाता है, उसको किसी कारणवश ये जगह अच्छी नहीं लगी या फिर यहाँ का पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लगा या फिर यहाँ का खाने पीने कुछ भी यहाँ का अच्छा नहीं लगा और वो यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है कि कोई बच्चे आकर वापस जाए, बट फिर भी बाई चांस कोई आ रहा है उसको चीज़ें सही नहीं लग रही है, वो एक महीने यहाँ रहकर देख सकता है, अगर नहीं सही लगी तो कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है कि उसको यहीं रहना पड़ेगा, वो आ रहा है उसको ठीक लगे तो रहे, नहीं तो फिर अपनी मर्जी से वो वापस भी जा सकता है। तो बैंगलोर इंडिया का आईटी हब कहा जाता है, पूरे देश भर से बहुत सारे बच्चे बैंगलोर में जॉब करने के लिए आते हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज में स्पेसिफिकली। हाँ, थोड़ा दूर हो सकता है पेरेंट्स के लिए पूरे इंडिया से अपने बच्चों को भेजने के लिए, पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ स्पेशली फ्रेशर्स को बैंगलोर प्रोवाइड करता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के टर्म्स में, इकोसिस्टम के टर्म्स में। यहाँ पे बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स काम करते हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो इन्हीं रीजंस की वजह से हमने बैंगलोर कैंपस चूज़ किया। गर्ल्स की सिक्योरिटी के लिए हमने काफ़ी सारे मेजर्स लिए क्योंकि ये हमारे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कैंपस के अंदर हमने ये इंश्योर किया है कि हमेशा कोई ना कोई अडल्ट कैंपस में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे मैं या हमारी टीम में से कोई और हमेशा यहाँ रहते हैं ताकि बच्चों को वो सिक्योरिटी वाली प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा हमारे कैंपस में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तो कैंपस पर जो भी होता है वो सब रिकॉर्डेड होता है, कोई भी चीज़ हमारी नज़र से बाहर नहीं होती। कैंपस के बाहर सिक्योरिटी के भी हमने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि कम से कम ज़रूरत पड़े बच्चों को बाहर जाने की ताकि वो सेफ्टी मेंटेन रहे, तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि सब कुछ कैंपस पर अवेलेबल हो, बाहर जाने की ज़्यादा ज़रूरत ना हो। जब बच्चे बाहर जाते भी हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि वो अकेले ना जाएं, कम से कम 3 या 4 लोगों के ग्रुप में ही बाहर जाएं, चाहे किसी भी काम के लिए जा रहे हों। इसके अलावा एक एंट्री रजिस्टर है, अंदर आने के बाद आपको एंट्री करनी होती है, बाहर जाने से पहले आपको एंट्री करनी होती है। इसके अलावा जब बच्चों को पर्सनल काम के लिए बाहर जाना होता है तो हम पेरेंट्स के साथ मिलकर भी काम करते हैं, कई बार हम पेरेंट्स से रिटर्न परमिशन लेने के बाद ही बच्चों को बाहर जाने की परमिशन देते हैं। इसके अलावा एक और चीज़, हम सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी करते हैं लड़कियों के साथ क्योंकि हम मानते हैं कि लड़कियों को अपनी सुरक्षा खुद करना आना चाहिए। इसके अलावा कुछ चुने हुए दिनों पर पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलने आ सकते हैं, ऐसा हमेशा पॉसिबल इसीलिए नहीं है क्योंकि कैंपस पर एक पढ़ाई का माहौल है जो थोड़ा डिस्टर्ब सा हो जाता है, दूसरे बच्चों के लिए भी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है जब कुछ गेस्ट्स आते हैं, तो इसीलिए कुछ दिन हमने चुने हुए रखे हैं ताकि पेरेंट्स आकर अपने बच्चों से मिल सकें। तो मतलब मैं अगर नवगुरुकुल की ओर जब निकलने के लिए निकला था तब घर वालों ने मुझे प्रेशराइज किया था कि बेटा तू इतनी दूर जा रहा है, इतनी दूर मत जा, यहीं पे रह जा, यहाँ पर मतलब जो पढ़ाई करनी है वो यहाँ पर ही रह ले। और उन्होंने मतलब मेरे अंदर बहुत सारी नई नई चीज़ें दिमाग में डाल दी कि वहाँ पर इतनी दूर जा रहा है, कोई फ्रॉड भी हो सकता है, फ्रॉड मतलब तुम्हारे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स निकाल लेते हैं
और उसने बेच देते हैं या फिर वापस ही नहीं आने देते, तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में डाल दी थी उन लोगों ने, घर वालों ने। तो लेकिन जो मैंने हिम्मत दिखाई, जो डेडिकेशन दिखाया कि नहीं मुझे जाना है, मुझे कुछ नया सीखना है, मैं वहाँ जाके कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूँगा मेरे करियर के लिए, तो मैंने घर वालों को कन्विंस किया कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आप मुझे सिर्फ एक साल का मौका दे दीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं। तो फिर मतलब उन सारी चीज़ों में बहुत दिक्कतें भी आई, परेशानी भी आई, मैं खुद रो पड़ा था कि यार मैं सही में जाऊँ या नहीं। मेरे अंदर भी बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही थी कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन मैंने खुद अपने आप में एक हिम्मत जुटाई और यहाँ आने के लिए निकल पड़ा, और घर वाले भी कन्विंस हो गए। मेरे पापा को मनाना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, मेरी मम्मी को मनाना मुश्किल था, क्योंकि मेरे पापा थोड़े से ओपन माइंडेड हैं, बट जो मम्मी होती है उनको हमारी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। फिर मेरी जो स्कूल की प्रिंसिपल थी, उन्होंने मेरी हेल्प करी थी मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करने में। तो ऐसे हमने काफ़ी पेरेंट्स को बताया कि ये जगह है, ऐसी है, तो वो लोग मान गए थे। नवगुरुकुल में आने से पहले या फिर मतलब स्टार्टिंग में नवगुरुकुल में मैं बहुत शांत था, और मतलब मैं अपने में ही रहता था, और मतलब ज़्यादा किसी की हेल्प वगैरह नहीं करता था या ज़्यादा किसी से पूछता नहीं था। मैं कोशिश करता था कि मतलब सारी चीज़ें खुद ही कर लूँ। पर यहाँ पे जब आया मैं, तो यहाँ पे मतलब मुझे ऐसा इन्वायरमेंट मिला कि मैं दूसरों की भी हेल्प कर पाऊँ और खुद भी हेल्प ले सकूँ। तो यहाँ पे आने के बाद मतलब मेरे अंदर ये चेंज आया है कि मैं मतलब अब बहुत ज़्यादा ओपन हो गया हूँ, और मतलब बात भी मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंटली कर लेता हूँ, और इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी बोल लेता हूँ। जैसे कि मेरे अभी अप्रोक्स 9 मंथ हो चुके हैं, तो मुझे यहाँ पे इससे जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था कि पता नहीं क्या हो पाएगा या मतलब क्या चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मतलब इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि शायद कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे और कर ही सकते हैं। अगर ज़्यादा तो कोशिश कर रही हूँ कि मतलब जिस काम के लिए आई हूँ प्रोग्राम के लिए, तो मैं प्रोग्रामिंग करूँगी। अगर इत्तेफाक से प्रोग्रामिंग नहीं भी हो पाई तो हम कहीं भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। पहले जो कम्युनिकेशन करता था मैं दूसरे के साथ, कि मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहता था मेरी लाइफ में, कि मैं हूँ और मैं ही जीना चाहता हूँ, मेरे लाइफ में मुझे सिर्फ पैसा कमाना है या फिर पैसे कमा के मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, दूसरे की कभी सोचता ही नहीं था। तो लेकिन यहाँ आने के बाद एक ऐसा चेंजेस आया कि नहीं यार, कि हमारे जैसे या फिर हमसे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उन्हें वाकई हमें हमारी मतलब नीड है, ज़रूरत है, तो ज़रूरतमंदों के मतलब हेल्प करना और मतलब लोगों के अच्छी चीज़ों के साथ अवेयर करवाना, ये सारी चीज़ें मतलब मेरे अंदर ये सारी चीज़ें चेंजेस आई है कि मैं उन लोगों को जाके बताऊँ या फिर ये गलत है, ये अच्छी बात है, ये सारी चीज़ें मैं उन्हें जाके बताऊँ, ये सारी वो चीज़ें बताऊँ और उनमें थोड़ी चेंजेस लाऊँ और थोड़ा कम्युनिटी में अपना योगदान दूँ। मैंने यहाँ आकर अपने अंदर बहुत सारे बदलाव देखे हैं। कॉन्फिडेंट मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंट आ गया है, अब मैं किसी से भी कॉन्फिडेंटली बात कर सकती हूँ, किसी भी टॉपिक पर या कुछ भी बात कर सकती हूँ, मुझे हिचक नहीं होती, डर नहीं लगता कि मैं कैसे बात करूँ, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो बुरा लग जाएगा। तो कॉन्फिडेंट बहुत बिल्ट हुआ है, और लीडरशिप क्वालिटी भी कहीं ना कहीं आई है। मैं मतलब लोगों को मैनेज करना सीखी हूँ, जो काउंसिल की पोस्ट से मैंने काफ़ी सीखा है कि जब इतने सारे लोग होते हैं तो उनको मैनेज कैसे करते हैं। मैं जब नवगुरुकुल में आया तो मुझे थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती थी, पर बहुत सारी जो लाइफ स्किल्स इंपॉर्टेंट है लाइफ जीने के लिए वो मुझे नहीं आती थी। तो मैं यहाँ जैसे जैसे टाइम स्पेंड करने लगा, लोगों के साथ रहने लगा, तो मुझे नवगुरुकुल ने बहुत सारी बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिली नवगुरुकुल में। तो मैं अलग अलग वर्कशॉप में गया यहाँ से, और वहाँ पे जाके मैंने खुद को देखा और खुद के साथ काम किया और नए नए लोगों से मिला, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। फिर मैं यहाँ आके एक काउंसिल, स्टूडेंट काउंसिल होती है, उसकी एक पोस्ट हैंडल की थी मैंने। तो उसमें मेरा काम था कि मुझे लोगों से बातचीत करना, उन्हें क्लोजली समझना उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। तो वो काम मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं लोगों से बात करके उनकी प्रॉब्लम्स जान के अपनी प्रॉब्लम्स बता के या शेयर करके बहुत खुश होता था। मैं नवगुरुकुल के साथ काम करना चाहता था खुद से, क्योंकि मुझे यहाँ रहना इस कल्चर में
प्यारा सा एक माहौल है यहाँ पे नवगुरुकुल के अंदर। सब स्टूडेंट्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, टीम भी कोई अथॉरिटी नहीं होती है, बड़े प्यार से सबसे बात करते हैं। तो इस पर एज ए फैमिली में नवगुरुकुल को मानता था, इसका हिस्सा बना रहना चाहता था, तो मैंने नवगुरुकुल ज्वाइन करने का फैसला लिया।